मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार हर हाल में सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी है, पर अंदर खानों में खबर है कि पार्टी के आला नेता अब विपक्ष में बैठने का मन बना चुके हैं। हालांकि सामने अपनी हार दिखाने से वो अब भी बच रहे हैं, पर कांग्रेस समझ चुकी है कि सत्ता में रहना अब लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े और पुराने नेताओं ने विपक्ष के पदों के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। इसमें एक नाम सामने आ रहा है, अजय सिंह का, जो पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, पर अब नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे आ गए हैं। खबर है कि इन दिनों अजय सिंह ज्यादा से ज्यादा समय तक कमलनाथ के आसपास रहते हैं। संकट से निपटने के नाम पर उनका डेरा भोपाल में ही डल चुका है। बहाना सरकार बचाने का है, पर दरअसल राहुल भैया नेता प्रतिपक्ष बनने के अरमान के साथ ये कवायद कर रहे हैं। वैसे उन्हें नेता प्रतिपक्ष रहने का पुराना अनुभव भी है और ये उम्मीद भी है कि अब अगर उपचुनाव हुए तो एकाध टिकट उन्हें मिल ही जाएगा, जहां से लड़कर वो विधानसभा पहुंच सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं।